So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल T2 बहुत ही खूबसूरत हमारे देश का तिरंगा यहाँ पर हमेशा लहराता रहता है। हालांकि भारतवर्ष में अभी तो जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट है, सभी पर दोस्तों हमारे देश का तिरंगा लहराता रहता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत प्रतिमा देखी आपने, तो चलिए ये पूरा इंटरनेशनल टर्मिनल T2 आपको पहले बाहर से दिखाते हुए आपको अंदर लिए चलेंगे। अंदर कौन कौन सी जगहें हैं, क्या क्या चेक इन होता है, सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं दोस्तों प्लेन से, तो आपको सारी A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए पहले यहाँ की खूबसूरती दिखाते हुए आपको दिखा रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई T2, जो कि इंटरनेशनल टर्मिनल है दोस्तों। और अगर आपको वाइन या शराब वगैरह भी अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, डोमेस्टिक में अगर आप लेकर जाना चाहते हैं दो स्टेट को छोड़कर बिहार और गुजरात को दोस्तों, क्योंकि वहां पर वाइन और शराब जो है बैंड है, क्योंकि उस जगह को ड्राई किया गया है। और आप किधर भी किसी भी स्टेट में आप 3 से 4 बॉटल्स लेकर जा सकते हैं अपने बैगेज में डालकर दोस्तों, जो कि प्लेन के अंदर आप अपना बैगेज रखते हैं। और एक केबिन बैग रहता है जो कि आप अपने साथ रख सकते हैं। उसमें भी कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाएंगे वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। ये हम आपको अंदर लेकर आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में। यहाँ पर चेक इन होती है और चेक इन में आपको दोस्तों बोर्डिंग पास दिया जाता है। जो भी आपका टिकट है, अंदर जैसे ही आप जाएंगे अपने साथ में आप अपनी आईडी रखिए, आधार कार्ड हुआ जैसे, तो आधार कार्ड वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद में ही आपको अंदर अलाउ करते हैं। आपका टिकट देखा जाता है और आधार कार्ड देखा जाता है। और जिस भी आपका एयर इंडिया का टिकट है और गो एयरलाइंस गो का है, या फिर जिस भी एयरलाइंस का, सिंगापुर एयरलाइंस का, जिस भी एयरलाइंस का टिकट है, उसकी विंडो पर आप जाइए, अपना चेक इन कराइए। और जो भी सामान दोस्तों आप अपने पावर बैंक को भूल कर भी बैग में मत रखिएगा, जो प्लेन के अंदर जो बैग जाता है बैगेज, उसके अंदर आप पावर बैंक को बिल्कुल भी ना रखें। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ उसमें नहीं होना चाहिए, इवन घी भी नहीं होना चाहिए। घी अगर पैक्ड है तो वो जा सकता है, लेकिन अगर खुली बोतल में अगर आप लेकर जाएंगे तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। और बाकी खाने पीने की चीज़ें भी आप लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आप ये देख सकते हैं खूबसूरती दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के अंदर की। हमने चेक इन कर लिया है, हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है। और बोर्डिंग पास मिलने के पश्चात दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चेकिंग होती है, इवन आपका बेल्ट भी उतार लिया जाता है। और जो भी पिन वगैरह भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, जिससे
किसी भी व्यक्ति को क्षति हो प्लेन के अंदर, ऐसा कुछ भी आपको केबिन बैग के अंदर लेकर नहीं जाना है। और ये हम पूरा चेकआउट करके, बोर्डिंग पास को चेक इन करके, सिक्योरिटी चेक से गुजरने के पश्चात दोस्तों, सिक्योरिटी चेक में आपका पर्स और ट्रे के अंदर आपको रखना पड़ता है, और पूरा का पूरा जो भी सामान है आपके पॉकेट में एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और वो पूरा चेक इट करके फिर आप अपना ले सकते हैं। अगर आप कैमरा वगैरह लेकर जा रहे हैं तो जो बैटरी कैमरे के अंदर है वो ही लेकर जा सकते हैं, अलग से कोई बैटरी कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए ये अंदर की खूबसूरती अब हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी शॉप्स हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में दोस्तों। बस बजट होना चाहिए दोस्तों, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, ये लोग लेने के लिए तैयार हैं। और अंदर ये आई लव मुंबई दोस्तों लिखा हुआ है बहुत ही खूबसूरती के साथ में, और ख़र्चा तो वाकई बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है दोस्तों इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T2 को, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो हमें गेट नंबर 47 की ओर जाना है दोस्तों, तो आप हमारे साथ में हैं और हम आपके साथ में हैं, और जर्नी बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि पहले हम आपको ये पूरा जो है अंदर कैसा लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल T2 मुंबई का, ये यहाँ पर आकर आप शराब ले सकते हैं, बियर ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली है दोस्तों। इवन अगर आप मैकडोनल्ड में भी अगर आप वो बर्गर खाएंगे दोस्तों, आलू टिक्की वाला, वो भी 400 रुपीज़ का मिलेगा, बस ये ख्याल रखिएगा। और बाकी तो यार जब घूमने जाते हैं तो सारी खर्चे तो होते ही हैं, कोई बात नहीं। पर हाँ, मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूँ कि अगर आप एयर इंडिया की फ़्लाइट से अगर आप कराएंगे तो आपको सीट का चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है। गो एयरवेज में अगर आप कराएंगे दोस्तों, उसमें चार्जेस लगते हैं, 300-400 रुपये लगते हैं, और पीछे की सीट अगर आप लेते हैं, और एयर इंडिया से अगर आप ट्रैवल करते हैं दोस्तों, तो आपको फ्री खाना दिया जाता है, फ्री चाय दी जाती है, पानी दिया जाता है। सिर्फ एयर इंडिया की फ़्लाइट में ही आपको ये फ्री चीज़ें मिलती है, खाना भी फ्री मिलता है और स्नैक्स भी फ्री मिलता है दोस्तों, और चाय कॉफ़ी भी आपको फ्री दी जाती है सिर्फ एयर इंडिया में ही दोस्तों। इसलिए जब भी आप कोशिश करें कि एयर इंडिया से ट्रेवल करें, आपके 2 पैसे बचेंगे, बाकी तो भाई अपनी अपनी इच्छाएं हैं। जिस तरीके से आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर आप 2 पैसे अगर आपके बचेंगे तो आपके ही और अच्छे कार्यों में आपके काम आएंगे, और एयर इंडिया का खाना तो बहुत ही टेस्टी, शानदार और बहुत ही लाजवाब। ये देख सकते हैं आप, फ्लाइट जो है लैंड कर रही है बहुत ही खूबसूरती के साथ, टायर घिस जाते हैं और धुआं निकलता है दोस्तों, और ये वर्जिन अलग अलग तरह की फ्लाइट्स यहाँ से चलती है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप लोग देख पा रहे हैं, और जैसा कि हम आपको बता रहे थे दोस्तों, जितनी भी फ्लाइट्स हैं उसमें सब में चार्जेस लिया जाता है। इवन आप पानी की बोतल भी अगर आप परचेस करते हैं अंदर से तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। अगर आप एयर इंडिया से आप ट्रेवल करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही फ़ायदा होता है, सीट का चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है, खाने का चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है। इवन आप जैसे ही बुकिंग करने जाएंगे तो 200-300 रुपये का फ़र्क रहेगा, लेकिन दूसरी एयरलाइंस में दोस्तों आपको वो ही पैसा 5,000 तक पहुंच जाएगा, लेकिन एयर इंडिया में आपको 4,000-4,500 रुपये में ही आपको सारी अंडर बजट आपका काम हो जाएगा। और सर्विसेज भी इतनी फास्ट है एयर इंडिया की, जो फ्लाइट है दोस्तों डोमेस्टिक भी हो, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोस्तों फ्लाइट चलती है। और दिल्ली अगर आपको जाना चाहते हैं तो बॉम्बे टू दिल्ली मात्र 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं दोस्तों,
और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से एक लग्जरीज यहाँ पर है सारी चीज़ें। ये एयर इंडिया की देख सकते हैं आप, ये फ्लाइट यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर बहुत जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है दोस्तों यहीं से जाती है। आपको अमेरिका जाना हो, यूके जाना हो, इवन पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाना हो तो मुंबई और दिल्ली दो सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहीं से। और दिल्ली से दोस्तों अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करना है तो यहां से आप जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे और लिए चलते हैं और यहां की खूबसूरती दिखाते हुए पूरा का पूरा सफ़र आपको तय कराएंगे। और वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी और ऐसे ऐसे खूबसूरत जगह हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा वाकई ही। और ये पूरा एयरपोर्ट आज हम अपनी YouTube फैमिली को दिखा रहे हैं। ये अगर आपको चलने में परेशानी है तो दोस्तों ये आप इसके ऊपर खड़े होकर स्पीडली जा सकते हैं, टाइम की बचत होती है और बिल्कुल फटाफट एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकते हैं। ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इंटरनेशनल फ्लाइट है दोस्तों, ये सिंगापुर एयरलाइंस, काफ़ी बड़ी फ्लाइट है सिंगापुर। अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सिंगापुर एयरलाइंस भी है। हर जैसा कि हमने आपको बताया ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से हर जगह की फ़्लाइट्स दोस्तों आपको अवेलेबल होती है। अमेरिका जाने के लिए दोस्तों मोस्टली फ्लाइट जो है नाइट में रहती है क्योंकि वहाँ के टाइमिंग को मैच करना पड़ता है और ज़्यादा लंबी ट्रेवल करने के बाद में इंसान को जेट लैग हो जाता है। अमेरिका वगैरह से आते हैं या जाते हैं जब भी आप ज़्यादा दूरी तय करते हैं 20 से 25 घंटे की तो इंसान जेट लैग से परेशान हो जाता है, इसीलिए उसको मौसम में सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं दोस्तों भाई, जो हमारे को जानकारी है हम चाहते हैं हमारी YouTube फैमिली अगर फ्लाइट में ट्रेवल करती है डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में तो उनको सभी जानकारी होनी चाहिए। ये आप ये देख सकते हैं बहुत सारी फ्लाइट्स यहाँ पर आती है जाती है। बहुत बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है दोस्तों ये मुंबई का, एक और मुंबई में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसको अभी एक दो साल तो लग ही जाएंगे दोस्तों, वो वाशी न्यू मुंबई वाशी में बनने जा रहा है। लेकिन ये एयरपोर्ट भी रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में है दोस्तों मुंबई के। तो दोस्तों वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट सफ़र में भी आप देखना ना भूलें और इसी सफ़र को कंटिन्यू आगे रखेंगे और बहुत ही लंबी जर्नी दोस्तों ये रहेगी। और आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। ज़्यादातर लोग मुंबई के विषय में जानना चाहते हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।